डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नाबालिग युवक ने कक्षा 5 की छात्रा को आई लव यू जान लिखा लव लेटर थमा दिया, जिस पर बुधवार की रात मेरठ के अब्दुल्लापुर गांव में हंगामा खड़ा हो गया। युवक मुस्लिम समुदाय से होने के कारण कुछ ही देर में वहां भारी संख्या में लोग जमा हो गए। भवनपुर पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लिए जाने के कारण प्रदर्शनकारियों ने भवनपुर पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। करीब 1 घंटे सड़क पर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। आरोपी युवक जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके परिजन घर पर ताला डालकर भूमिगत हो गए हैं। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने युवक की हरकत की शिकायत उसके परिजनों व पुलिस को की थी, लेकिन दोनों ही जगह से उन्हें डराकर और धमकाकर भगा दिया गया, जिस पर यह हंगामा किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई दिन से गांव का जावेद लड़की को परेशान कर रहा था। बुधवार सुबह आरोपी स्कूल के पास पहुंचा। उसने बच्ची को चॉकलेट के साथ आई लव यू जान लिखकर एक लव लेटर जबरन थमा दिया, साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ भी की। देखिए पूरा मामला। गुरुवार को मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना भवनपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग लड़की है जो स्कूल जाती है, और स्कूल जाते हुए पड़ोस का ही एक लड़का है जो 15 साल का है, वो भी नाबालिग है, उसके द्वारा उसको चॉकलेट देकर और बहला फुसलाकर छेड़खानी भी की जाती है। और ये बात जब उनको जानकारी हुई तो वो उस परिवार के पास गए जहाँ जो प्रतिवादी परिवार है उसके द्वारा इनसे गाली गलौज भी की गई, झगड़ा किया गया। इस तहरीर को प्राप्त करके थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इसमें जो नाबालिग अपचारी है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसको जो माननीय जो जे बोर्ड है उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।